कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान दिव्या काकर हमारे साथ है। दिव्या, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बात आपने बोली कि मैंने देश के लिए तो बहुत मेडल जीत लिए, दिल्ली सरकार का दिल नहीं जीत पाई, ये दर्द क्यों है? ये दर्द इसलिए है क्योंकि मैं इतने साल से दिल्ली से लड़ी हूँ और उसके बाद भी मुझे दिल्ली से कोई मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला है। दिल्ली वालों ने मुझे जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मुझे नहीं मिला है, इसलिए मुझे इस चीज़ का दुख है। किस साल से किस साल तक आप दिल्ली सरकार के लिए खेली, दिल्ली के लिए आपने उनको रिप्रेजेंट किया? हाँ जी, 2011 से 2017 तक मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है और 2017 के लास्ट में फिर मैंने यूपी से खेलना शुरू किया। तो 2011 से 17 के बीच का सफ़र आपका कैसा रहा बतौर दिल्ली के खिलाड़ी के तौर पर? 2011-2017 बहुत ही कठिन था क्योंकि उस दौरान मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए। उन्होंने जांग लंगोट बेच के और मेरे भाई ने, हम अखाड़ों में जाते थे, लंगोट जांगे बेचते थे मेरे पापा, और हम दंगलों में जाके लड़कों के साथ कुश्ती लड़ी है मैंने। तो मुझे था कि अच्छा टाइम आएगा और आगे चल के मैं भी बहुत बड़ी पहलवान बनूंगी और मैं भी और बड़े पहलवानों की तरह सब कुछ सही हो जाएगा, हमारा बैकग्राउंड सही होगा, सब कुछ बढ़िया होएगा। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो मुझे उम्मीद थी वो सब कुछ धरी की धरी रह गई। तो इसलिए मेरा ज़्यादा मन टूटा कि सब पूरा देश मेरे पे गौरव महसूस करता है कि मैं मतलब दो बार कांस्य पदक लेके आई हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स से 2020 की मैं अर्जुन अवॉर्डी हूँ, पूरा देश मुझे सम्मान देता है, पर लेकिन सिर्फ दिल्ली ने ही मुझे सम्मान नहीं दिया, इस चीज़ का मुझे दुख है। और मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अब तो दिल्ली से कभी नहीं लड़ने वाली हूँ और यूपी ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं यूपी में ही रहूँगी और योगी सरकार ने मुझे इतनी बड़ी नाम राशि बोल दी है और रजिस्टर ऑफिसर की नौकरी बोल दी है, मैं दिल्ली से सिर्फ अपना सम्मान चाहती हूँ जो है मेरा, और बाकी अब मुझे जरूरत नहीं है। कभी आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, अपना दर्द उनसे बांटने की कोशिश नहीं की? हाँ जी, मैंने उनको बताया था, मुझे भी यही लगता था कि क्या पता उन तक बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, इसलिए मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे किसी से कह के मीटिंग फिक्स करवाई और हमारी बात हुई। कब मिलने गए आप उनसे? 2018 में, तो 2018 में उनसे मिलने गई और उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया, उन्होंने मुझे बुके भेंट करी और फिर मैंने उनको अपनी कहानी बताई, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और जो जो आपकी दिक्कत है आप बताइए, और उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई मेल्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2018 में आपकी मुलाकात हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, उसके बाद फिर आपने क्या फैसला किया कि दिल्ली से खेलना है कि नहीं खेलना है? हाँ जी, फिर मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली से नहीं खेलूंगी क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब अगला पड़ाव क्या होगा दिव्या, आप कांस्य पदक जीती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, मैं आगे कॉमनवेल्थ गेम्स तो मेरा मतलब ब्रॉन्ज मेडल आया, मैं एशियन गेम्स की ओलंपिक की तैयारी करूंगी और यूपी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं वहीं से अपने अगले टूर्नामेंट्स की तैयारी। आखिरी सवाल ये कि अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल की जाती है आपको इनाम देने की, आप वो इनाम लेंगे? और दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार से क्या मांग करेंगी आपके जैसे और भी खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं? हाँ जी, नहीं, अब तो दिल्ली के लिए बहुत बच्चों के लिए हो रहा है, जो 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने बोला था कि दिल्ली के पहलवानों के लिए होना चाहिए या और खिलाड़ी के लिए होना चाहिए, वो तो सब हो रहा है, पॉलिसी वगैरह जैसे आप सबने बताया कि निकाली है उन्होंने, पर लेकिन अगर मुझे इनाम राशि दी जाएगी, मुझे मेरा सम्मान मिलेगा, जो मेरे हक का पैसा रुका वो मुझे मिलेगा, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो दिव्या काकरान, उनका दर्द है कि देश ने सम्मान दिया लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें सम्मान नहीं मिला, और यही दर्द अब दिव्या काकरान मीडिया के सामने अपना रख रही हैं। कैमरा पर्सन राजू खत्री के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।